वेलकम माय फ्रेंड। अब हम हैं चाइना में, दिन है पांचवा और आज हम जा रहे हैं अपनी पर्सनल शॉपिंग के लिए। दोस्तों अपनी पर्सनल शॉपिंग करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मौज करेंगे। चार दिन बहुत काम किया और आज हमारा मन है रिलैक्स करने का। तो अभी हम पोको होटल से निकल रहे हैं और भाईमा मार्केट जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर करते करते अगर कुछ अच्छा लगा तो हम उसको ख़रीद भी लेंगे। तो मिलते हैं आपको भाईमा मार्केट। एक रामलीला का डायलॉग मेरे दोस्तों के लिए। अंगद रावण कौन तू, बतला अपना नाम, वह कहाँ से आगमन क्या है, मुझसे कहा मुझसे कहा। ओ तो तू ही अंगद है, तो तू ही बाली का बालक है, तू ही बास की ज्वाला है, क्या तू ही बाली का खाता है, संघारा जिसने बाली का दिख है तू उसका खास हुआ, और जब मित्र पटाका है तेरे उस पर तुझे विश्वास हुआ, वास्तव में यदि तू मेरा क्या मेरी ओर मिला होता, भानु प्रताप मेरा तेरा यश कमल मिला होता, अब भी यदि तू मुझसे मिल जाए तो मेरी ओर चला आए, भरी राज्य लंका का कल से ही सेनापति हो जाए। यह है भाईमा की मार्केट। यहाँ पर कपड़े मिलते हैं, जीन्स मिलती है, जीन्स टी शर्ट मिलती है, बेल्ट मिलते हैं, पर्स मिलते हैं। तो यहाँ से आप आओ, मेरे सभी भारतवासियों के लिए एक गाना। कमाल के हैं भाजी, बंदे कमाल के हैं, इसीलिए पहुँच चुके हैं चीन और देखने के लिए कि यहाँ पर कैसे बंदे हैं। बंदे तो आएंगे ठीक ही हैं, मगर ईस्ट और वेस्ट ऑलवेज इंडिया इज द बेस्ट, आई लव यू ऑल। और इस तरीके से हम चल पड़े हैं भाईमा की सड़कों पर। यह है भाईमा मार्केट। देखिए चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। और ये है चीन की धरती और यहाँ के लोकल लोग, यहाँ की टैक्सी और यहाँ के मजदूर लोग, यहाँ की गाड़ियाँ। एंड देखो यहाँ की मार्केट्स, ये है यहाँ की मार्केट। देखो ये यहाँ की मार्केट है, बेल्टों की मार्केट है, इमिटेशन की मार्केट है, अंडरगारमेंट्स की मार्केट है, बैग्स हैं, इमिटेशन ज्वेलरीज हैं। सब जगह पे लड़कियाँ काम करती हैं, हर दुकान पे सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ ही काम करती हैं। देखो कितनी मेहनती हैं, देखो देखो कितनी मेहनती हैं। देखो ये देखो, ये देखो हमारा पुराना दोस्त निहाओ, हाउ आर यू, रिमेम्बर बैज बेल्ट बैज, या इस भाई साहब ने पहले ही बेल्ट ली थी। मोर फ्रेंड मोर बेल्ट, हेलो निहाओ। इधर से आके हमने शॉपिंग कर ली है, तीन चार बैग ले लिए हैं। ये हमने बैग लिए हैं यहाँ से, बेल्ट ली है, और ये मौत का फरमान एक बैग यहाँ रखा हुआ था जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया तो हमने यहाँ रख दिया। ये बेल्ट की कलेक्शन बहुत अच्छी है भाई के पास, तो हमने यहाँ से बेल्ट ले ली है, भर भर के बेल्ट ली है, भर भर के बेल्ट ले लिए यहाँ से। अब बार्गेन को लेके झगड़ा, अब ये ज़्यादा बोलेगा हम कम करेंगे, ये डंग डंग करेगा हम रिंग रिंग करेंगे, फिर जाके हम छोड़ेंगे, फिर जाके ये देगा। और ये भाई का पेन दर्द का, ये हमारा चाइनीज़ वाली लैंग्वेज में 99 कुछ लिखते हुए। इस दुकान से कपड़े खरीदते हुए चाइना में हिंदा है। डिजाइन देखो बिल्कुल सिंपल सिंपल कपड़े पहनते हैं, ये अच्छे भी हैं मगर अच्छे लग रहे हैं। ये 39 RMB है, इंडियन रुपीज़ नहीं है। अजी क्या हुआ सनी भाई, सनी भाई क्या हुआ भाई, ये देख रहे हैं साइज नहीं मिल रहा इसमें, साइज ही मिल रहा, वो साइज मिल रहा है, वो मीडियम साइज कह रहे हैं, मुझे साइज आता है एक्स्ट्रा लार्ज। ओके मुझे अपना साइज चाहिए, फिर वो शर्ट मुझे पीला, ये मुझे बहुत, वाओ गुड। और ये है कैप, ये कैप खुल जाती है ऐसे इस तरीके से, और ये हमें टोपी बनाने लगे हैं, टोपी बना रही है हमें।
शी इज वेरी गुड शी इज वेरी गुड यो नाडू यो इतना रेट करते हैं वो दुकान वाली और इस दुकान में कितने का रेट है देखो तो अभी इस टाइम हम लोग खड़े हैं वाइमा मॉल के सामने और पीछे की ये रोड देखो आप पीछे की क्या रोड है ये और ये देखो ये वाइमा मॉल का पूरा इलाका है ये वाइमा मॉल है ये देखो सड़क आ गई और देखो ये पीछे पूरी सड़क चल रही है ग्रीनरी खूबसूरत है वाइमा का मॉल अंदर से थोड़ा प्रीमियम मॉल टाइप का है ये और ये हमारे पाजी यहाँ से बाइंग करते हैं यहाँ पे इन्होंने डिस्काउंट लगा रखे हैं सेल लगा रखी है सेल यहाँ भी लगती है और ये पाजी हमारे बाइंग समथिंग और ये देखो ट्रेडिशनल मॉल सी किसके दुकान से हमने कर ली है शॉपिंग भर के 15-16 टी शर्ट ले ली है हमने और अब हम यहाँ बार्गेन करा रहे हैं फिक्स रेट के बावजूद भी इसके रेट तोड़वा रहे हैं ये पाजी हमारे थक गए हैं तो सो गए हैं जो लोग बोलते हैं कि चाइना के अंदर नहीं लगता है जाम तो ये देखो जाम यहाँ भी लगता है और ये रहा जाम यहाँ की बसें ये रोप जो है ना ये रोप इलेक्ट्रिसिटी का वायर जो है इससे कनेक्ट होकर चलती हैं ये देखो अरे पाजी ये पाजी पाजी क्यों हो रहा है ये पाजी एक ही हो रहा है एक सर्फिंग हो रही है सूरज छिप रहा है हमारी और जी सूर्य रोशनी इधर आ रही है सिर्फ वो तो फेस कैसे ग्लो कर रहे हैं भाई देखो भाई तो फिर से आ गए हैं हम लोग उधर ही घूमते घूमते जहाँ पे हम लोग हर शाम को आ जाते हैं मैंगो शेक पीने के लिए टेस्टी मैंगो शेक और फिर से आ गए हैं यहीं चाइना की गलियों में भटकते हुए आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे आप क्या खा सकते हो क्या पी सकते हो क्या नहीं पी सकते मज़ा तो आ रहा है इधर और एक्साइटमेंट भी है तो जुड़े रहो इस ब्लॉग के साथ आगे आपको दिखेंगे किस तरीके से आप लोग यहाँ पे आके मैंगो शेक पी सकते हो तब तक के लिए अंटी अनलेस और इस दुकान पे आए थे यहाँ से हमने बैग खरीदे हैं और देखो यहाँ से हम बैग खरीद के लेके जा रहे हैं से हाय हेलो व्हाट इज योर नेम नेम माय नेम इज माइक माइक एंड यू यांगचू हाय मैम बहुत अच्छे लोग हैं यार बाय ब्रदर
Bye, brother. Take care. Come at my brother place. He's a very good man. A1A018A. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye. दोस्तों देखो ये किन्वो मार्केट है यहाँ पे, और ये भी एक चाइना की अच्छी मार्केटों में से एक है। तो अब यहाँ किन्वो मार्केट आ सकते हैं। यहाँ देखिए शूज, टॉयज, तो भाई ये मार्केट है अपने मतलब ही कुछ, ये मार्केट अपने मतलब ही कुछ आंदे हैं जी, मॉल बंद करा के आंदे हैं, हैं? ऐसा ही है कुछ सनी भाजी? सारे बंद करा दिए, सब बंद करा दिए, जहाँ भी जाते हैं सब बंद करके आते हैं, सबसे आखिरी में हम ही निकलते हैं मॉल से। देखो जी, देखो जी, सब बंद हो गया। लिफ्ट आ गई जी, लिफ्ट आ गई, लिफ्ट आ गई जी, और अब लिफ्ट आ गई है, हम लिफ्ट पे जा रहे हैं। मैं चाइना में था और मेरे को यहाँ पे मिल गई है मेरी बहुत बड़ी फैन, जो मुझे बहुत सालों से जानती है ना, यस, बहुत सालों से जानती है। मुझे भी पता लगा कि ये मेरे को फॉलो भी कर रही है। या इंडिया, और बहुत टाइम से मुझे फॉलो कर रही है, जैसे मुझे वो देखा तुरंत मेरे चपट के कि मैं आपको जानती हूँ, एंड ये इसकी दुकान है लड़की की, और देखो यहाँ से इसके यहाँ से आप सूट केस खरीद सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, डिस्काउंट भी दे देंगे ये लोग, बार्गेन भी कर लेंगे, बहुत अच्छे लोग हैं। अरे पाजी क्या लिया आपने? अभी फैसला किया नहीं है, फैसला करना है। तो पाजी की कंफ्यूजन ये है कि पाजी को एक तो ये वाला बैग पसंद आ रहा है, देख सकते हो आप, और पाजी दूसरा बैग दिखाना है, एक पाजी को ये बैग पसंद आ रहा है। अब कंफ्यूजन ये है कि बैग लेना कौन सा है उसके अंदर, एक बार तो देखो पाजी शायद तो यही वाला बैग लेंगे, मेरे वाला, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट, पाजी इज द बेस्ट। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में आपके पास। यह है अरमनी स्पाइस इंडियन कुशन प्योर वेज रेस्टोरेंट इन फ्रंट ऑफ कंट्री इन होटल। ये कंट्री इन होटल है देखो, और दोस्तों इसके ही सामने इस बिल्डिंग में सामने की तरफ एक करेंसी एक्सचेंज वाला है, जो बैग भी रखता है, करेंसी भी एक्सचेंज करता है, ठीक रेट दे देता है, आप वहाँ से चाहे तो करेंसी एक्सचेंज भी करा सकते हो। तो अभी हमने वहीं से अपनी करेंसी एक्सचेंज कराई थी, और अब ये हम आ गए ये अर्बन स्पाइस इंडियन कुशन रेस्टोरेंट साई सागर। पूरे दिन की थकान के बाद जब आपको खाना हो, वेज खाना हो, तो चाइना के अंदर आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो ऑप्शंस में आपके तीन या चार हैं, एक तो मामा जी का ढाबा यहाँ पे एक है, मामा जी रेस्टोरेंट, एक शर्मा जी हैं, और एक है ये साई सागर। तो आज हम पहुँच चुके हैं साई सागर में, खाना यहाँ का अच्छा है, और अभी ट्राई करते हैं खाना यहाँ का, और बहुत अच्छा कंट्री इन होटल है, बिल्कुल सामने कंट्री इन होटल है, कंट्री इन होटल के सामने ये रेस्टोरेंट पड़ता है। तो देखिए पूरा इंडियन खाने का हिसाब किताब है यहाँ पे, और बढ़िया सागर की खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है, यहाँ थाली सिस्टम है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो इनके रेट्स हैं, जैसे इनकी जो थाली है वो 60 RMB की है, जैन थाली 70 की है, मिनी थाली 45, पैकिंग है फिर 10 रुपये एक्स्ट्रा, ठीक है। इस तरीके से तीन थालियाँ ला, ठीक है अच्छा। तो एक पूरा वेज रेस्टोरेंट वाला माहौल है यहाँ पे, सब इंडियंस के लिए एक बहुत अच्छी जगह है, कोई भी इंडियंस। तो अब हम आ गए हैं अर्बन स्पाइस नाम के रेस्टोरेंट में, जो है लूजिंग सी रोड, अजीब सा नाम है यार, मैं नीचे लिख दूंगा, पढ़ लेना क्या है। खाना खा के निकले हैं अभी यहाँ से, खाना बहुत बेहतरीन है, टेस्ट अल्टीमेट है, मगर इतना है कि इंडिया की याद आ जाएगी, हाँ भाई इंडिया में ऐसा खाना मिलता है आपको। अपने साथ आप जो भी खाना लाते हो 6-7 दिन में वो ख़त्म हो ही जाता है, पैक्ड फूड तो लानी नहीं चाहिए, पैक्ड फूड तो बीमारी करेंगे आपको उल्टा। खाने के लिए यहाँ पे आओ, एक इंडियन एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, और लोग मिलते हैं इंडियंस, तो आप अपनी बातें भी शेयर कर सकते हो, आपने क्या काम किया क्या नहीं किया, तो यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी यहाँ मामा जी का एक रेस्टोरेंट है, आप वहाँ जा सकते हो, एक शर्मा जी का रेस्टोरेंट है वहाँ जा सकते हो, और एक साई सागर जो अर्बन स्पाइस के नाम से भी जाना जाता है, आप यहाँ आओ, खाने का लुत्फ उठाओ। एक थाली सिस्टम है इनका, बुफे सिस्टम है, 60 रुपये में ये थाली देते हैं, जिसके अंदर दाल है, रोटी है, चावल है, सब्जी है, और एक सब्ज़ी और को ये देते हैं, आराम से इंजॉय करो।
और बैठ के आप चिल कर सकते हैं यहाँ पे। जय हिंद, जय भारत, जुड़े रहो मेरे ब्लॉग के साथ। मैं हूँ आपका अपना अमित लंकेश्वर राव।